मेरे टाइशन से मिल लीजिए, आज इतनी ठंडी है। टाइशन 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 इधर इधर दिखाना, इतनी ठंडी है गाइस, इतनी ठंडी है आज। टाइशन की देखो, टाइशन ने स्वेटर पहना है, मम्मी ने टाइशन को अपना स्वेटर पहना दिया। दिखाना टाइशन, दिखाना दिखाना, जरा फेस ऊपर करना, ये देखो बहुत ठंड लग रही थी टाइशन को, तो मम्मा ने पहना दिया अपना स्वेटर, है ना। अब नहीं लग रही है टाइशन को ठंडी, अब नहीं लग रही है। अच्छा देखो, लग रही कि नहीं लग रही, लग रही कि नहीं लग रही, लग रही ठंडी। अच्छा हाथ मिलाओ टाइशन, एक बार और मिला दो। देखा टाइशन ने हाथ मिला दिया, और अरे मुझसे गुस्सा क्यों दिखा रहा है, क्यों गुस्सा दिखा रहा है टाइशन। अच्छा एक बार और मिला दो, एक बार टाइशन हाथ मिलाओ, एक बार हाथ मिला दो। अच्छा एक बार ला। गाइस वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छी है, और चैनल पे जो न्यू आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को एंजॉय करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे और लाइक करो। गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज है मंडे और टाइम हो रहा है 12:30, और मैं चली देखो घूमने, चली जहाँ जाना है मुझे वहाँ आपको भी लेके मैं चली। तो सब लोग चलते हैं घूमी घूमी। तो मैंने एक नया सूट सिलवाया था, तो वो बन के आ गया है, तो देखते हैं इसकी कैसी है हालत, इसको मैं पहनूं आज कि ना पहनूं, कुछ समझ नहीं आता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसको पहन के देखती हूँ कैसा सिला है, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे सूट पहन लिया है, मेरा ब्लू कलर का ये सूट है, और मैंने इसका पेंट प्लाजो सिलवाया था, और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। अब बस मेरी मुझे बाल ही बनाने हैं, बाकी सूट मैंने पहन लिया। उधर पूजा भी रेडी हो रही है दूसरी तरफ, और मैं थोड़ा सा फेस पाउडर लगा के और रेडी हो रही थी, क्योंकि मैंने फेस पे लगाया नहीं, लिपस्टिक लगा ली, लाइनर लगा लिया, और फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई करा था, तो मैंने कहा फेस पाउडर ही लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना फेस देखने में। तो पूजा उस साइड रेडी हो रही, मैं इस साइड रेडी हो रही हूँ, क्योंकि दोनों लोग एक जगह पे रेडी नहीं हो पाते, बड़ी लड़ाई हो जाती है दोनों की सीजी की वजह से। तो मेरा सूट कैसा है आप लोगों को भी फुल देखना तो बताना, और दुपट्टा इसका टेलर ने दिया नहीं, पता नहीं उनके पास से ही खो गया, कहाँ है कुछ पता नहीं, तो मैं दूसरा दुपट्टा डालूंगी यहाँ पे। और मैं अपनी हेयर स्टाइल सोच रही थी मैं कैसी बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो चल रही हूँ मैं घूमने, और आप लोग भी एंड तक बने रहिए, और मैं जहाँ जा रही हूँ आप लोग भी इंजॉय करेंगे, तो चलिए वीडियो को देखिए और थोड़ी मैं मस्ती कर लूँ। वहाँ पे मेरी भाभी आएंगी और भाभी के भाई आएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। मैंने भाभी को भी बुलाया है वहाँ पे, क्योंकि भाभी को भी साथ में मैं मिल भी लूँगी, और मिलने का बहुत ज़्यादा मन था भाभी से इस वजह से, और भाई सब लोग होंगे तो मस्ती भी होगी। तो ये है मेरा सूट, कैसा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं ऑटो से जा रही हूँ, मुझे कंफर्म रास्ता भी नहीं पता था कि कहाँ पे है, तो मैं आधी दूर तक गई और फिर मैंने बोल दिया, तो ये जो ऑटो वाले भैया है ना, ये गरी के हैं परिवार में ही, तो वही हैं, तो हम लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि वो गरी के हैं ना, भाई हैं इस वजह से, तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं, तो आप भी लोग सुनिए। गाइस हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी, और वहाँ पे बुलाएंगे अपनी भाभी को, भाभी के साथ में घूमेंगे, मंदिर है पर अभी यहाँ पे, लेकिन मैं ज़रूर मिलूँगी आज जाके भाभी से, और मंदिर है।
के लिए। और ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे हैं। ऑटो वाले भैया हेलो, ऑटो वाले भैया ये हम लोग मंदिर भाई से बोल दिया यहीं पर छोड़ दो, मुझे पता नहीं था, अब मुझे पैदल जाना पड़ रहा है इतनी दूर, क्या करूं, पैदल पैदल। तो यहाँ पे मैं पैदल पैदल जा रही हूँ और भाभी को मैंने कॉल कर लिया था, तो भाभी बोली मैं अभी निकल चुकी हूँ तो उनको 10 मिनट लगेगा आने में। तब तक पास में एक मंदिर था, मैं वहीं पे हम और पूजा सभी लोग वेट करेंगे भाभी का, क्योंकि आगे का रास्ता हम लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे हम लोग बहुत कर रहे हैं मस्ती और बातें कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ऐसे ही अपनी मस्ती को सूट कर लिया है। मैं कितना हंस रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अनिका खेल रही है उधर और हम पूजा दोनों लोग बातें कर रहे हैं। ये पीछे मंदिर ही है, वहाँ पर मैं बैठी हूँ और पता नहीं कौन सी बातें हो रही थी, इस वजह से हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और अनिका खेल रही है, बिल्कुल है ना गाँव के जैसा। तो भाभी के भाई आ चुके हैं तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे, यही हैं भाभी के भाई और एक और हैं। तो इधर पूजा इस साइड खड़ी हुई है और ये सब पूजा ने रिकॉर्ड करा था कि मैं दिखा दूँ गांव का तालाब और इधर भैंस थी जो भी, तो मंदिर के भी दर्शन कराने लेके जा रही है, वो पूजा ही लेके जा रही है आप लोगों को। तो जितना भी इधर का रिकॉर्ड किया है ना, ये सारा पूजा ने ही किया था रिकॉर्ड। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चल के मेरे साथ में। तो बहुत ही अच्छा था मंदिर, और मंदिर जाने से तो शांति मिलती ही मिलती है। हाँ, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था मंदिर जाना, मैंने बताया भी, पूजा भी नहीं मैं करती थी जब से ये सब हुआ था मेरे साथ। लेकिन फिर मैं, क्योंकि जब कुछ हो जाता है ना तो विश्वास हट जाता है, क्योंकि आपको पता है ना भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ कर सकता है, भगवान चाहे तो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन जब मेरे साथ में मेरे बाबू मुझसे दूर गए तो मुझे भगवान से विश्वास ही हट गया था कि कुछ नहीं। तो बस यही था। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर लीजिए, ये है शेरावाली माता, तो जय माता की। तो ये इधर मनी प्लांट ये सब चीज़ के पेड़ लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत मंदिर लगा, ये गाँव में ही गाँव के बाहर बना हुआ है। और इधर भोले शंकर का मंदिर बना था तो वहाँ पे पूजा आपको लेके जा रही है, वो शायद वहाँ के पुजारी हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और मंदिर मतलब इतनी शांति जगह में बना हुआ है जहाँ पे ज़्यादा कोई चहल पहल भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर। तो जय भोले शंकर की और सभी की मनोकामना पूरी हो। और बहुत, ये मंडे का वीडियो था लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई दो वीडियो की वजह से, इस वजह से आपको ये इतना लेट में ब्लॉक मिल रहा है। और इधर भी शंकर जी, शंकर भगवान थे और पूजा दौड़ दौड़ के आप लोगों को दिखा रही थी। और इधर धतूर का भी पेड़ लगा हुआ था, ये देखो निकले हुए हैं, मैंने देख लिया एडिटिंग करते हुए क्योंकि मैं इधर नहीं गई थी, पूजा ने ही सूट करा था। फिर भैया और भाभी आ जाते हैं तो हम लोग जिस मंदिर को आने को थे, ये इमलिया माता मंदिर है, तो वहाँ आने का बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि मैंने भाभी की तरफ से ही सुना था, हम लोगों को नहीं पता था कि इधर कोई माता है। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ देखूँ, तो मैं आ गई भाभी को लेके यहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इमलिया माता के। और इधर भाभी और पूजा और अनिका, ये भाभी के भाई, तो सभी लोग हैं, तो हम लोग इन्जॉय करेंगे और माता रानी के दर्शन करवा रहे हैं आपको, तो चलिए आप लोग दर्शन करिए। And yet I
पे दर्शन कर रही थी और मैंने मन्नत का धागा भी बांधा यहाँ पे, तो जो मेरी मन्नत पूरी होगी तब मैं बताऊँगी मैंने क्या मांगा था यहाँ आके। तो आप लोगों को यहाँ का मंदिर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हम लोगों के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही मज़ा आया, और भाभी और सबसे मिलके भी बहुत ही अच्छा लगा। भाभी के भाई सच में बहुत ही अच्छे हैं, फ़ोन करो तुरंत आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं कहना पड़ता है, वो तुरंत से आ जाते हैं। मैंने बोला मुझे भाभी से मिलना है, तुरंत आ गए भाभी को लेके। और सॉरी गाइस मैं भाभी से नहीं मिलवा पाई आपको, क्योंकि अब भाई की शादी ही होने वाली है तो आप लोग तभी मिलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने नहीं मिलवाया। और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी और भाभी के साथ में मैंने फ़ोटोशूट भी इधर लाई के खेत में करे, लेकिन उन्होंने फ़ोटो भी नहीं लगाए, बस इसीलिए क्योंकि एक ही 1.5 महीना बचा है भाई की भाभी की शादी का, तो मैंने सोचा तभी आप लोग मिलो। इस वजह से मंदिर आके दर्शन भी कर लिए हैं और क्या, और भाभी हैं पर मैंने मिलवाया नहीं, क्योंकि 1 महीने बाद आप लोग मिलेंगे ही तभी मिलवाएंगे। और मंदिर काफ़ी अच्छा है, बहुत शांति है मंदिर में। और वो चलेगा अभी आ रहे हैं कुछ लेने गए, और पता है ठंड बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा है। और मैं अब आया करूँगी यहाँ पे, किसी दिन मम्मी को लेके आऊँगी, मम्मी बोल रही थी लेकिन आज नहीं लेके आई मम्मी को, तो कभी लेके आऊँगी गाइस। तो अब यहाँ से देखो थोड़ी देर बैठते हैं फिर घर निकल जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अनिका भी साथ में है, तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आलू चटनी और बहुत कुछ चीज़ें थी, मीठा था, कोल्ड ड्रिंक थी, नमकीन थी, और बहुत चीज़ें लेके आए थे भाभी के भैया, तो निकाल के दे भी रहे हैं, देख लो यही है भाभी के भैया। तो इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल पे जो न्यू आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।